कहते हैं कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ है जमशेदपुर की प्रगति कुमारी के साथ। दरअसल प्रगति कुमारी को प्रधानमंत्री कार्यालय से 26 जनवरी को पीएम मोदी के साथ बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का मौका मिला है। इसके बाद से प्रगति कुमारी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। मुझे लेटर आया MHRD मिनिस्ट्री से। उस लेटर में लिखा था कि 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है। पापा ने मुझे इस लेटर के बारे में बताया। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार सर से जाके बात की, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं IIIT ग्वालियर जिसमें मैं पढ़ती हूँ उसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर चल रही हूँ, तो वो डेटाबेस कनेक्टेड है MHRD से, उसके थ्रू मुझे ये लेटर आया है। लेटर मिलते ही मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हमेशा से ये प्रोत्साहन दिया था कि बेटी और बेटा फ़र्क नहीं है और बेटी को जितना बेस्ट एजुकेशन मिल सके वो होना चाहिए। सक्सेसफुली मेरी बेटी लोग पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उन्हीं का योगदान है कि जो अपने मेहनत से वो सफलता में प्राप्त हुई है। कितनी खुशी है आपको आपकी बेटी पीओ के यहाँ जाएगी? बहुत खुशी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी आपने सोचा था? सोचा तो नहीं था पर एक उम्मीद का किरण जरूर था, क्योंकि दोनों बेटी मेरी स्पेशली प्रगति जो है वो शुरू से मेरिटेरियस रही है और जब से वो DBMS से लेकर टिल अप टू डेट वो अभी कभी भी सेकंड नहीं हुई है, फर्स्ट रैंक हमेशा रहा उसका। आपको बता दें जमशेदपुर की प्रगति कुमारी एक गरीब परिवार से आती हैं और प्रगति ने DM स्कूल से 96% मार्क्स लेकर पास हुई थी और आज IIIT ग्वालियर में पढ़ाई कर रही हैं। जमशेदपुर से न्यूज के लिए इंद्रजीत की रिपोर्ट।